आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। स्टेडियम में लगे थे सैकड़ों कैमरे, एक दो नहीं बल्कि एम्पायरों की थी लंबी लिस्ट। टकटकी लगाए बैठे थे क्रिकेट के बड़े धुरंधर। किसके इशारे पर पलटा गया फैसला? आखिर वो कौन है जो संजू की तरक्की को देखकर चल रहा है? पहली बार कैमरे के सामने दिखा संजू का गुस्सा। अंपायर से भिड़े, मैच हारे, लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत गए संजू सैमसन ने। अगर ऐसा ना हुआ होता तो दुनिया के सामने नहीं आ पाती सच्चाई। अकेले मैदान पर खड़े होकर दिल्ली के धुरंधर गेंदबाजों की कर रहा था धुनाई। खुशी से झूम रहा था बीसीसीआई, रोहित शर्मा के फैसले पर मोहर लगाई। इधर इतिहास रचने वाले थे संजू सैमसन, उधर कर दिया संजू के साथ खेल। एक दो कैमरे नहीं बल्कि सैकड़ों कैमरे लगे थे, या यूं कहा जाए कि हजारों कैमरे थे, लाखों आंखें थी। बावजूद इसके किसके इशारे पर इतने बड़े मैच को पलटा गया कि सबकी आंखें देख रही थी कि संजू तूफान की तरह मैदान पर तबाही मचा रहा था। हर गेंदबाज को तोड़ रहा था, किसी को छोड़ नहीं रहा था। कप्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऋषभ पंत ने अपने सारे धुरंधरों को लगा दिया, लेकिन कोई संजू के सामने टिक नहीं पाया। हर किसी ने आज संजू के सामने घुटने टेक दिए। गेंदबाजों में संजू ने ऐसा खौफ भर दिया कि खलील अहमद जैसा गेंदबाज लगातार वाइड पर वाइड बॉल डाल रहा था। ऐसी दहशत पहली बार क्रिकेट के मैदान पर देखी गई। लेकिन तभी अंपायर ने सैकड़ों आंखों को नजरअंदाज करके ऐसा फैसला सुना दिया कि बीच मैदान पर संजू सैमसन आपा खो बैठे और अंपायर से भिड़ गए। मैच हारने के बाद संजू सैमसन ने मीडिया के सामने जो बयान दिया उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हम आपको वो बयान सुनाएं, उससे पहले हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या संजू सैमसन सच में आउट हुए थे या अंपायर से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तब तक हम संजू के पूरे प्रकरण की जानकारी आपको आंखों देखी बताते हैं। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने 222 रन का विशाल टारगेट रखा था, जिसके जवाब में राजस्थान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। एक छोर से लगातार विकेट गिरते नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से कप्तान सैमसन खूंटा गाड़ कर खड़े थे और बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने मैच 45 गेंदों में 8 चौके और 6 की बदौलत 46 रन बना लिए। 46वीं गेंद पर सैमसन ने एक दमदार शॉट खेलने का प्रयास किया। बाउंड्री लाइन पर खड़े शाई होप ने कैच लपका लेकिन वो बाउंड्री लाइन के काफी करीब अपना संतुलन बनाते देखिए थर्ड एम्पायर का जब तक डिसीजन पहुंचा तो अलग अलग कैमरा एंगल से देखा गया। अंत में सैमसन को आउट दिया गया। मुकाबले के इस मोड़ पर इस तरह से कैच आउट होने के बाद संजू सैमसन अंपायर्स पर नाराज नजर आए। सैमसन अंपायर्स से एक बार और चेक करने की गुहार लगा रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने रिव्यू की भी मांग की। मैदान पर विकेट को लेकर सैमसन को बहस करता देख पंटिंग नाराज देखिए। अंत में सैमसन ने हार मानी और मैदान से बाहर चले गए। ये विकेट दिल्ली के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। संजू के विकेट के बाद दिल्ली की गेंदबाजी ने शेजा कस लिया। राजस्थान की तरफ से विकेटों की पतझड़ नजर आई। शुभम दुबे ने 25 रन पर अपना विकेट गवा दिया, जबकि रोमन पावल भी मैच फिनिश करने में नाकाम रहे। उन्होंने महज 13 रन बनाकर अपना विकेट खो दिया। शानदार गेंदबाजी के चलते दिल्ली ने मुकाबले को 20 रन से अपने नाम कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद कप्तान संजू सैमसन ने माना कि मैच उनके हाथ में था। संजू ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैच हमारे हाथ में था। 11-12 रन प्रति ओवर को हासिल किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल में ये चीजें होती रहती हैं। हम चीजें ठीक से कर रहे हैं, हम परिस्थितियों की मांग पर टिके रहना चाहते हैं। 220 का स्कोर 10 रन ज्यादा था, मगर हमने कुछ कम बाउंड्री दी होती तो हम इसे हासिल कर लेते। संजू सैमसन ने लगातार दूसरी हार के बाद भी अपनी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम सभी मैच करीब जाकर आ रहे। संजू ने कहा कि हम 3 गेम हार चुके हैं, लेकिन वो सभी गेम देखे तो काफी करीबी रहे। हम अच्छा खेल रहे हैं, हमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए वापसी करनी होगी। हम मैच हारे हैं और हमें देखना होगा कि हम कहां हारे हैं और साथ ही हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।